बहनों को अगर कभी 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो पैसे मिलते नहीं थे, परेशान होती थी, मांगती थी 1500 रुपए जरूरत पूरा करने के लिए। और इसलिए तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा, ये मैंने तय किया। और अब केवल 1000 नहीं, अभी तो 1250 डाले हैं। और मेरी बात सबको याद है कि नहीं? कौन सी बात याद है? अरे मैंने कहा था, याद रखना कि पैसे की व्यवस्था कर लेने दो, क्योंकि पैसा बहुत सा देना पड़ता है। अगर 1000 रुपया महीने ही देना हो तो 15000 करोड़ रुपया लगते हैं, क्योंकि 1,32,00,000 बहने हैं मेरी। कितनी बहने हैं मेरी? अरे बोल के बताओ, 1,32,00,000। अब इतनी बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं, तो पैसा बहुत लगते हैं। लेकिन मैंने कहा था, मेरी बहनों, पैसे की व्यवस्था कर लेने दो। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। और 1250 अंतिम नहीं है, फिर पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। और जैसे ही पैसे की व्यवस्था हो गई तो 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा, फिर 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, 3000। तब मुझे चैन मिलेगा और मुझे यह विश्वास होगा कि अब मेरी बहन परेशान नहीं होंगी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। मैंने हमेशा कहा है कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और मेरा परिवार, आप जो है बैठे हैं, ये सारे भाई और बहन मेरा परिवार है। और परिवार की चिंता करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। और इसलिए आज का कार्यक्रम आप देखिए, हमने तय किया कि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले कोई भी हमारे भाई हो, हमारी बहन हो, उनको नंगे पांव तेंदुपत्ता तोड़ने जाना ना पड़े। इसलिए पांव में जूता पहनाएंगे भाई के, और बहन के पांव में चप्पल पहनाने का काम करेंगे, ताकि भाई और बहन के पांव में कांटा ना चुभे, कांटा ना गड़े। आपकी जिंदगी बदलने की इन योजनाओं के माध्यम से हमने कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया, 200 रुपया छाते के लिए भी डालेंगे, पीने के पानी के लिए कुप्पी भी मिलेगी, बहन को साड़ी भी भेंट की जाएगी।